नमस्कार आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्षा सात विज्ञान विषय में अध्याय एक पादपों में पोषण कार्यपुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले लाइक कर दें और शेयर कर दें तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न तो पहले में आपके देखो स्क्रीन पर चित्र दिख रहे हैं इन चित्रों को देखकर आपको नाम लिखने हैं जो आपको पहचान में आते हैं पहला है आम का और तीसरा लाइक केन का है और ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रिला का है ये खुम्ब है खुम्बी है ये अमरबेल का है और इसको भी आप पहचान सकते हो और नाम लिख सकते हो आगे निम्न चित्रों को देखकर बताओ कि कौन कौन से पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं तो आम खुम्बी लाइकेन और अमरबेल ये पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं तो प्यारे बच्चों सेम बनाकर या अन्य पेड़ों पर निर्भर रहकर ये जो पौधे हैं या तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खुद भोजन बनाते हैं जैसे आम है और कुछ अन्य पेड़ों पर भी निर्भर रहते हैं जैसे अमरबेल है पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो तो दो वर्गों में बांटा जा सकता है एक सौ और एक परपोषी सौ का मतलब अपना भोजन खुद तैयार करने वाले और परपोषी का मतलब अपना भोजन खुद तैयार न करने वाले पर का मतलब प्राय दूसरे पर आश्रित रहने वाले यदि प्रश्न नंबर दो यह तो तुम जानते हो कि मक्का के बीज से पौधा तैयार होता है और उस एक बीज से बने पौधे में लगे भुट्टे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं मक्का हम खाते हैं और उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं पेड़ पौधे बिना खाए पी इतने बड़े कैसे हो जाते हैं अपने शब्दों में लिखो तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा तैयार करके इसे ग्लूकोज के रूप में संचित कर लेते हैं और इसी ग्लूकोज को पौधे अपनी वृद्धि विकास में उपयोग करते हैं आगे है नेक्स्ट पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने हैं क्या आप इस बात से सहमत हैं अपने शब्दों में लिखें हाँ क्योंकि पृथ्वी पर यही सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाकी जीव प्रत्यक्ष या अपोक्ष रूप से इन पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं आगे प्रश्न नंबर चार निम्न प्रश्नों के जवाब तो अमरबेल में क्या तुमने जड़े देखी ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं नहीं अन्य पौधों के शरीर पर रहकर प्राप्त करती है अमरबेल क्या एक परजीवी है दूसरे पर आश्रित रहता है क्या ये जमीन तक पहुंच जाती है नहीं क्या अमरबेल में पत्तियां होती है नहीं आगे है इस आधार पर तुम अमरबेल पौधे को किस श्रेणी में रखोगे स्वपोषी मांसाहारी परजीवी या मृत्यजीवी तो किस में रखा जाएगा परजीवी के अंदर रखा जाएगा जिस पेड़ पर अमरबेल पनप जाता है वह सूख जाता है उसकी वजह क्या हो सकती है तो प्यारे बच्चों वह उस पौधे द्वारा बनाए भोजन को सब चट कर जाता है अमरबेल की अमरबेल का जो पौधा है उस पौधे ने भोजन भोजन बनाया उसका भोजन जो वह चट कर जाता है तुमने देखा कि कई बार बरसात में बासी रोटी पर या किसी अन्य पदार्थ के कई दिनों तक पड़े रहने पर फूफू उग जाती है पपूद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है तो पदार्थ से प्राप्त करती है जिस पर रुकती है इस आधार पर फपुद को तुम किस श्रेणी में रखोगे तो मृत्य जीवी में रखेंगे आगे है किस किसी पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद से लाइकेन को ढूंढो उनका अवलोकन करो अपनी कॉपी में चित्र बनाओ तो शुरू में चित्रों में लाइकेन का चित्र दिया हुआ है तो उसको देख करके आप बना सकते हो मसाले में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर फूल भी इस तरह की लाइकेन ही है अपने घर से पत्थर फूल लेकर इसका अवलोकन करें लाइकेन को क्या तुम मृत जीव मानोगे नहीं तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पेड़ पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जोड़कर भोजन बनाते हैं इस कार्य में सूरज की रोशनी और पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल की मौजूदगी में बनता है इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है इस जानकारी के आधार पर अब तुम निम्न सवालों के जवाब दो पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है तो भूमि से जड़ों के द्वारा मिलता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और किन अंगों के जरिए प्राप्त करते होंगे तो वायु से और पत्तों द्वारा प्राप्त करते हैं हमने जो दो एक जैसे सफ़ेद फूल लगे पौधों की टहनियाँ ली एक टहनी को लालशाही युक्त भरी गिलास में रखा दूसरे में सादा पानी वाले गिलास में रखी थोड़ी देर लगभग एक घंटा तक अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया इस तरह का क्रियाकलाप तुम भी करके देखो निम्न प्रश्नों के जवाब दो फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण है लाल रंग पौधों की सतह पर उपस्थित छिद्रों से में भर जाता है फूलों में लाल रंग पौधे के किस भाग के द्वारा पहुंचा तो रंद्र या स्टोमेटा द्वारा पहुंचा तुमने खेतों में या बगीचों में किसानों को देसी खाद या यूरिया वगैरह डालते हुए देखा होगा आखिर यूरिया पौधों में कैसे पहुंचती है तो जड़ों द्वारा जो यूरिया पानी में घुलती है और जड़ें उसको चूसती है सरबजीत ने मटर के पौधों की जड़ों में देखा कि उसने कुछ गोल गोल गांठों जैसी चिंताएं देखी सरबजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसको पता चला कि इन गण्ठानों में एक तरह का जीवाणु होता है जो पौधे के लिए हवा में नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और इससे प्रोटीन का निमंत्रित है पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे परजीवी सहजीवी मृतोपजीवी या कीट बक्सित तो इसको रखा जाएगा सहजीवी के अंदर तो ये जीवाणु जो होते हैं वो पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं और जो पौधा है उसको रहने के लिए जगह देता है जो एक दूसरे के साथ शायद संबंध रखते हैं नाइट्रोजन का पौधा किन के लिए पौधों के लिए क्या महत्व अपने शब्दों में कि नाइट्रोजन पोषकों से पौधों में तेजी से वृद्धि विकास होता है यानी नाइट्रोजन पोषक अगर पौधे को मिलेगा तो तेज़ी से बढ़ेगा बढ़ोतरी होगी दाल में प्रमुख तत्व तो क्या होता है तो दाल में प्यारे बच्चों प्रोटीन होता है तो आगे आज की क्लास में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद